शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? मैं उसको अच्छी तरह सुनाता। तुमको कोई कुछ बोले मुझको बर्दाश्त नहीं होता। तुम मेरी पोती जैसी हो। पोती जैसी नहीं, पोती ही है हम आपकी। हम आपके बेटे केशव की ही बेटी है। हेलो हेलो केशव, हेलो हेलो, आवाज, हेलो चंद्रा भाभी, क्या हुआ भाभी, बोलती बंद हो गई? हम जानते हैं ये आप ही हैं, और कौन हो सकता है जो हमें मारने के लिए गुंडे भिजवाएगा? और भाभी, भले ही हम दोनों देख ना सकते हो, लेकिन आपको और आपकी हरकतों को अच्छे से पहचानते हैं। एक बात याद रखना भाभी, हर इंसान के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, और हमारी वो सीमा अब खत्म हो गई है। भाभी, आपकी उल्टी गिनती शुरू। आपने जो भी कुकर्म किए हैं ना, उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ भाभी। भाभी भाभी भाभी, आपकी उल्टी गिनती शुरू होती शुरू। आपने जो भी कुकर्म किए हैं ना, उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ भाभी। आपकी उल्टी गिनती शुरू, आपकी उल्टी गिनती शुरू। तैयार हो जाओ भाभी, तैयार हो जाओ भाभी। मुझे यहाँ पर क्या मिला है? आप फोन पर बता सकते थे। छोटा मोटा काम नहीं था, फोन पे बताने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तो किसी का मर्डर करना है? हाँ, वो भी आज ही हमारी हवेली में। हवेली में? चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर आने का इंतजाम हम खुद करेंगे। आज शाम एक पार्टी है, बहुत लोग होंगे, भीड़ हो, चुपचाप काम हो जाना चाहिए। लेकिन पढ़ाना किसको? नोट रखो और ट्रिगर दबाओ। मैडम, आपका काम हो जाएगा। क्या क्या करवाओगी तुम हमसे श्रवणी? ये हत्या का पाप तो हमारा है, पर दोष हमारा नहीं। आज शाम तुम हमारा खेल चौपट करने वाली थी ना? कहाँ, बहुत उतावले हो रहे। ओह, पंखुड़िया का जन्मदिन जो है। हाँ, जन्मदिन उसका है, लेकिन सबसे बड़ा वाला सरप्राइज तो हम ही देंगे आपको। फिर हेम बाबू, इंतजार कीजिए। सुंदर लग रही तो कुछ भी करोगी का। हाय दैया, हाय दैया। ये भानु अभी तक आया क्यों नहीं? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे लाओ भैया, केक आ गया।
भैया जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, पंखुड़ी के जन्मदिन पर तो मतलब काट काट लेते केक हैं। पर भानु भैया कहाँ हैं? अरे हम आ गए भाई। लो लो आ गए भैया। आज के दिन कैसे हम इंतजार करा सकते हैं अपनी बहना को? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भैया। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो असीमित। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पंखुड़ी। मैं जाके भानु से बात करता हूँ। दादाजी अब अभी रुक जाइए ना, अभी पहले केक तो काट लेने दीजिए उनको, फिर चले जाना। आइए आइए चलिए सब लोग केक काटते आइए। अरे बाबू तुम आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो कोने में? आओ इधर आओ। चलिए केक काट दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू पंखुड़ी। अच्छे लग रहे हैं ना? अभी तो कह रहे थे। हम जानते हैं हमने तुम्हारा मूड खराब किया। हाँ अब मूड हमने खराब किया है तो ठीक भी हम ही करेंगे। हमारे पास कुछ है तुम्हारे लिए, चले खाओ। Happy birthday. मैं जाके भानु से बात करता हूँ। ठीक है। बाबू आइए जाओ जाओ जाओ। वाह दीदी ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? अब क्या है ना, हमारी पंखुड़िया का असली बर्थडे तो यही मनेगा उसके रुपेश के साथ। और देखो हमने कहा था ना हम तुम दोनों के साथ हैं, तो साबित भी कर रहे हैं। अब भी बुला के लाते हैं उसको। नहीं रहना दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है।
शिवानी। अरे ये चंद्रा कहाँ है? पंखुड़ी, पंखुड़ी तुम ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं। कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? हाँ। आप तो ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, तुम ठीक हो ना? अरे पंखुड़ी, चंद्रा, बाबूजी, अरे लाइट किसने बुझाई है? सब ठीक है? हम ठीक है बेटा। शरद जी आप ठीक है ना? रहने दो, झूठी परवाह मत करो। दादाजी हटिए, हटिए, हटिए। दादाजी आपको लगे तो नहीं आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। चंद्रा ये उसी का काम है, वो हमें मारना चाहती थी। अब बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये गोली कहां से चली? वो भानु अंकल अभी वो वहां वहां कौन खा गए? वो भानु अंकल बता, अभी अभी वहां पर एक वेटर अंकल, उनके पास बंदूक थी। बंदूक को देखकर डर गए और हम लाइट बंद करने गए। वही जो केक लेकर आए थे। वेटर? हाँ, वो अभी यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। विरेन, शरद जल्दी जाओ, जाके पकड़ो उसे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जी 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 जी, जल्दी जाओ। चंद्रा भाभी, चंद्रा, 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 उठो, चंद्रा, होश में। चंद्रा तुम ठीक? ये खून, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ। रुपए पानी लेके आओ। हाँ भैया। चंद्रा आके खोलो। भाभी आके खोलिए। होश में भैया, पुलिस के पास हाला हो जाओ। आराम से डॉक्टर को फोन कर। हाँ हाँ। बस उनको ज्यादा चोट ना आई, वो ठीक हो। हमने चंद्रा आंटी से कहा था कि भगवान जी सिर्फ सच्चे लोगों की बात मानते, और चंद्रा आंटी तो वैसे भी सच्ची नहीं। आपने चंद्रा आंटी को इस बात की सजा दी है। फंटी और स्वीटी का क्या होगा? नहीं उनको माफ कर दीजिए ना। जब हमने अपने माँ बापा की आत्महत्या के बारे में सुना था तब हम कितना डर गए थे, तो सोचो बंटी और स्वीटी कितना डर जाएंगे। आप ना बस चंद्रा आंटी को ठीक कर दीजिए, हम उनको खुद अच्छा बना देंगे। हमारी बात मान लीजिए। हाँ अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना, तो फिर हम सारे भगवान का पाठ पढ़ेंगे, सिर्फ आपका नहीं पढ़ेंगे। किस मिट्टी की बनी है तू? जो तेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, तू उसी की जान की भीख मांग रही है माता से? दादाजी, वो हमारे दुश्मन बाद में, पहले वो स्वीटी और बंटी की माँ है, और माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो किसी की भी हो। शवनी, दादी, सब ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? आजो, 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 आजो। ये सब तुमने किया? नहीं भावना दी ने। तुम बैठो,
तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पक्का? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। हम तो बल्कि तुम्हारे पास ही आ रहे थे, पर अचानक से हमने गोली की आवाज सुनी और हम बाहर चले गए दौड़ते हुए। हम भी तुम्हारा यही इंतजार कर रहे थे। गोली की आवाज सुनी तो हम भी दौड़े। ये था कौन? चाहता क्या था? पंखुड़ी, तुम्हारे भैया की किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। भानु भैया की किसी से दुश्मनी ये नहीं हो सकता है। देखो ना, भाभी को गोली लग गई। हमें तो उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। नहीं कुछ, तुम चिंता मत करो। उन्हें शोल्डर पर लगी है तो काफी बड़ी इंजरी नहीं हो सकती। वैसे डॉक्टर आ गया है, आगे का वो बताएगा। हम तो खुश हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बस हम भी। किस्मत अच्छी थी आपकी चंद्रा जी, जो निशाना चूक गया चलाने वाले का, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती ना तो वाइटल ऑर्गन्स पंचर हो जाते। बस आप किस्मत की वजह से बच गए। डॉक्टर साहब, आप कहें तो अस्पताल ले जाके दिखाएं इनको। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मरहम पट्टी कर दी है। बस आप इन्हें पेन किलर जरूर दे देना रात में। दो दिन बाद फिर से मैं इनका ड्रेसिंग कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे क्या वो कहीं मिला कि नहीं? वो तो एकदम गोली हो गया, एकदम हवा हो लिया, मतलब उसका नामो निशान नहीं मिल रहा। अरे ऐसे कैसे गोली हो गया यार, किसी ने तो भेजा होगा। अरे भैया हर जगह देखा, कहीं कब पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे ऐसे कैसे कहीं नहीं मिला? हम पुलिस को खबर करते हैं। हाँ करिए। अरे नहीं, हवेली में पुलिस आएगी हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे पुलिस को काहे खबर ना करें? देखा नहीं तुमने, कट्टेबाज हवेली में घुस गया, खुलेआम गोलियां चला रहा है। पुलिस को नहीं बताएंगे तो कोई भी टटपुंजी आ जाएगा, कट्टा लेके खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसका हम बात की तह तक पहुंचेंगे। अरे आप जरा सोचिए, बाहर पता चलेगा कि हवेली में गोली चली है, लोग काका बातें करेंगे। दो जवान बेटियां घर पे, कौन बारात लेकर आएगा ऐसे घर में जहाँ ये सब कांड होते हैं। पुलिस को देखिए ना, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, सब छूके निकली है, सब सही हो गया। ये ससुर माजरा का है आखिर, हमारे देखते देखते बहाना खेल कर गए। नहीं नहीं, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? शरद, मेरा पता करो, कोई पट्टीदार तो नहीं है? भैया सब तो घर के ही थे, लेकिन एक वेटर था जो बाहर से आया था। भाभी आप ही तो उसे लेकर आए थे ना घर एक घंटा पहले। हम? आप ही लाए थे ना उसे घर, सब तो घर के ही थे, लेकिन आप ही से जानती थी, कौन था वो? अरे वो तो उनको मंदिर के बाहर मिला था, बड़ा मशहूर था, उसको कोई काम चाहिए था। हमने बोला कि आज शाम को मैं घर में जश्न है, पार्टी है, तो तुम चलो, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी खाना वाना परोसने में, एक जन और बढ़ जाएगा तो मदद हो जाएगी। हमें कब पता कि वो चोरी के इरादे से आया था, वरना हमारी क्या दुश्मनी, किसी से गोली चला दिया, बताओ। अरे अगर चोरी के इरादे से आया होता तो रात में आता, रात में आगे चोरी करके जाता, ऐसे खुले हम गोली ना चलाता। ये मारने के इरादे से आया था, वही बात कह रहे हैं हम। सही कह रहे हो आप। भैया हाँ, माँ बुला रही है, चंद्रा भाभी आपको भी बुला रही है। इतनी रात में ऐसे अम्मा काहे बुला रही है? पता नहीं, कह रही थी सबसे जरूरी बात करनी है। चंद्रा आंटी को हराने का और हमारे माँ बाबा को इस हवेली में वापस से लाने का महायज्ञ शुरू हो चुका है। हमारी हवेली की सुख शांति खुशियाँ सब पे बुरी नजर पड़ गई है, किसी का काला साया पड़ गया है और वो काला साया हमें हटाना होगा। इसलिए हमने सोचा है कि हम 21 दिन का महाजाप रखेंगे और इस अनुष्ठान में घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये तीनों मिलकर हमारे खिलाफ जरूर कोई बड़ी खिचड़ी पका रहे। माँ
मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।